रानी ने मर्द घाट में बेटे की लाश को टेक दिया। मर्द घाट में जब मुर्दा फूके जाए, उनके कुछ बच्चे कुचे लकड़ी नन घोसे वो चुन चुन करके इकट्ठा कर मृत सैया चेता का ढेर बना देती है। चुन चुन करके लकड़ी मृत सैया बनाती, मृत सैया पर अपने बेटे की लाश को रख दिया। बेटे की लाश को ऊपर से ईंधन घोसे से ढक दिया। एक तरफ बेटे की चिता जलाने के लिए अग्नि बना रही थी, आंसू बहा रही थी। अग्नि का धुआं आसमान की ओर चला। हरिश्चंद वहां नौकरी ड्यूटी करता था, उसका एक ही काम था कि जो भी मर्दा मर्द घाट में फूंका जाए, 1.25 रुपया तो मरघट का टैक्स लेना और मर्दा फूकण का वो कफन लेना। रानी के पास ना तो कफन है और ना मरघट का टैक्स देने को 1.25 रुपया है। हरिश्चंद देख करके आसमान में चढ़े हुए धुआं को, नंगे पैर एक हाथ में लंबा सा बांस लेकर के दौड़ा और मृत सैया के पास आता है। सजना दुखिया से कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, एकदम से सीता में ठोकर मारने के लिए पैर उठाया, कदम उठाया, लात मारने की कोशिश की तो दुखिया ने पैर पकड़ लिया। महाराज दुखिया के मुख से महाराज का शब्द हरिया ने सुना तो पैर पीछे कर लिया कि ये तो कोई जान और पहचान ही लगती है, पूछना चाहिए। ऐ दुखिया औरत, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा काम है, ये किसकी लाश यहां फूंकने जा रही हो, ये तुमने किसे पूछ करके यहां चिता बनाई। मुझे लगता है कि तुम काशी नगरी की नहीं हो, अगर काशी नगरी की होती तो तुम्हें काशी नगरी के शमशान घाट के रूल का और नियम का भरपूर तरीके से तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आखिरकार कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा गांव है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम कुछ कानून कायदे होते हैं। तुम पूछते हो कि क्या मेरा पति जीवित नहीं है, क्या मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है जो मैं यहां अकेली चलकर आई हूं। तो देखिए अपनी आंखों से, मैं कोई गैर नहीं हूं महाराज, आपकी अपनी पत्नी तारा हूं महाराज, आपकी पत्नी तारा हूं। और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है ना महाराज, ये भी किसी गैर की नहीं है बल्कि तुम्हारे एकलौते पुत्र रोहतास की लाश है महाराज। हे बेटा रोहतास, क्या ये लाश मेरे बेटे रोहतास की है? हाँ महाराज। खैर, जो परमात्मा ने किया अच्छा ही किया होगा, लेकिन तुम मेरी महारानी तारा हो। जी महाराज। ये लाश मेरे बेटे रोहतास की है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि शमशान घाट का क्या नियम है। नहीं पता था तो मैं बता दूं कि इस शमशान घाट में कोई मुर्दा फूंका जाता है तो उससे पहले मरघट का टैक्स जमा किया जाता है। और तुमने ना तो मरघट का टैक्स जमा किया और तुम बगैर कफन दिए इस लाश को फूंकने जा रही हो। लेकिन महाराज, हाँ, आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है, फिर मैं आपको 1.25 रुपया और कफन कहां से लाके दूं महाराज? देना पड़ेगा। नहीं है मेरे पास। बेटे की लाश को अगर यहां जलाना चाहती हो तो 1.25 रुपया मरघट का टैक्स जमा करना है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे अपने बेटे की लाश को जलाने दीजिए महाराज। नहीं, क्योंकि मेरे पास 1.25 रुपया का फन नहीं है। नहीं है, या तो मुझे 1.25 रुपया का फन चाहिए, अगर नहीं देती तो उठा लो लाश। नहीं, राजी राजी उठा लो लाश। नहीं महाराज, या तो मार करके लाश इस चिता को यहाँ से फेंक दूंगा और तुम्हें दे दे करके धक्के शमशान घाट से बाहर। नहीं महाराज, नहीं, इतना जोर मत जमाइए महाराज,
आखिरकार मैं आपकी रानी तारा हूँ महाराज, ये आपका बेटा रोहतास है। ऐसा मत करिए महाराज, कुछ कहना चाहती हो? कुछ कहना चाहती हो? हाँ महाराज, कहो और मेरी भी सुनो। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। आज कहती हो, आज अपना काम पड़ा तो कहती हो कि जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, महारानी तेरी में। अगर तू मेरी रानी है, रानी थी, तो याद कर उस दिन को। आज आज मेरे याने शाने रोहित सुत की तू मौत निशानी बन बैठी, तने पेट पे दिया छुरा फेर, तू आप कसानी बन बैठी। नहीं महाराज नहीं, तूने मेरे दिल में छेद किए, बरमे की कमानी बन बैठी, तने मुझको पागल समझ लिया, तू आप दीवानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई, जिस दिन मिसरानी बन बैठी, जिस दिन मिसरानी बन बैठी। पिछली बातों को याद मत करिए महाराज, सुनो मेरी बात। अरे घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी नजर में भागी हूँ, मैं तो नाराजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भागी हूँ। ओ समझ रही पिया लावे, समझ रही पिया लावे, हानी तेरी मैं, हानी तेरी मैं। उस घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। आदरणीय भाई विष्णु जी, बसई भोपाल से 500 रुपए पहले 200 रुपए और एथर से ग्राहकनी पर दे रहे हैं, भाई का मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। इस बात को लेकर के तो गमगीन है, और इस बात को लेकर के
मेरे सामने हट पड़ी है कि तूने जो वरना नदी पर मेरे साथ किया वो अनजाने में किया। जी महाराज। तुम नादान थी, नादानी में तुमने मेरे घड़े को हाथ लगाने से इनकार किया। जी महाराज। नहीं, मुझसे गलती हो गई महाराज। मैंने लाख खुशामद की, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैंने लाख खुशामद की कि मेरे घड़े को थोड़ा सा सहारा दे दो, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। मेरी सुनने की बात तो बहुत दूर कि मेरे हाथ घड़े को लाया ना, कि मेरे हाथ घड़े को लाया ना। मैंने विधि बता के चली गई, मेरे नाजुक नरम इस दिल में तू बोला के सेल चुभा के चली गई। तूने मेरा घड़ा नहीं ठाया, तू तो अपना ठा के चली गई। कदे मोड़ बांध के ब्याही थी, उस दिन पीठ दिखा के चली गई, उस दिन पीठ दिखा के चली गई। लेकिन महाराज, ये रोहतास कुंवर आपका भी बेटा है, आपका भी फर्ज बनता है अपने बेटे के प्रति। लेकिन महाराज, ये समय पिछली बातों को याद करने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का दुख बांटने का है महाराज। ये समय पिछली बातों को याद करने का नहीं है, एक दूसरे का दुख बांटने का है। हाँ महाराज। तो उस दिन समय कहाँ गया था कि जब मेरा दुख बांटने की बारी आई? मुझसे गलती हो गई महाराज। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तूने जानबूझकर, लेकिन मेरी बात सुनी है महाराज। सुनाओ अपनी बात। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। रागनी प्रेमी ने 100 रुपए इस रागनी पर दिए, बार बार धन्यवाद। 500 रुपए और आदरणीय लाला राम चौधरी साहब, इस गमगीन ऐतिहासिक रागनी पर 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान करते हैं। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रोताओं, बड़ी गमगीन रागनी है, दिल को झकझोड़ने वाली रागनी है। कहो तारा अपनी बात। मैं ये कहना चाहती हूँ महाराज कि आप नहीं जान सकते क्या कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। अच्छा। क्योंकि आप तो पिछली बातों पर अड़े हुए हो, आपको इस बात का गम नहीं है कि तुम्हारा इकलौता लाल इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मुझे अपने बेटे का बहुत दर्द है महाराज, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ के प्यार को आप नहीं जान सकते कि माँ का प्यार क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है। जब एक औरत पहली बार माँ बनती है तो उस ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान
उस औरत के लिए माँ बनना होता है महाराज, लेकिन जिस औरत की आंखों के सामने उसका इकलौता लाल मर जाए, इस दुनिया को छोड़ के चला जाए महाराज, वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ होती है। आज मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़ के चला गया महाराज, तुम्हें छोड़ के चला गया, मैं तो पांच की पांच रह गई महाराज, मेरी गोदी सुनी हो गई, फिर भी आप ऐसे हालात में मुझसे 100 रुपये और कफन मांग रहे हैं, जबकि आप जानते हो और अपनी आंखों से देख रहे हो कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज, तब फिर ऐसे हालातों में मैं आपको 100 रुपये और कफन कहां से लाके दूं महाराज, कहां से लाके दूं, कहां से लाके दूं महाराज, मरघट का टैक्स लेना, कहां से लाके दूं, मरघट का टैक्स लेना मेरी ड्यूटी है, मेरी मजबूरी है, अगर नहीं है तुम्हारे पास ये टैक्स तो मैं भी मजबूर हूं, ये लाश उठा सकती हूँ आप यहाँ से। नहीं महाराज नहीं, इतने पत्थर दिल मत बनिए महाराज, इतने पत्थर दिल मत बनिए, कहो अपने बात। कर चाहिए, कर चाहिए तो ठीक है महाराज, अगर आप अपनी जिद पर अड़िक हैं, हाँ तो ठीक है, मैं अपनी जिद पर अड़े हूँ, तुम्हारे पास 100 रुपया देने को नहीं है तो वरना नदी पर तुमने मेरा घड़ा नहीं उठाया, लेकिन घड़े को उठाने की विधि बताई, वो विधि मैं तुम्हें आज बता दूं, 100 रुपया नहीं तो उसके बदले कोई भी वस्तु मेरे पास जमा कर दो, 100 रुपए के बदले तुम्हारी दी हुई वस्तु को अपने मालिक के पास जमा कर दूंगा, गिरवी रख दूंगा। ठीक है महाराज। बेटे के ऊपर डालने के लिए कफन नहीं है तो उसके बदले तुम्हारे पास काफी वस्त्र हैं, उसके बदले दे सकती हो, वो भी मैं जमा कर दूंगा, जब तुम्हारे पास 100 रुपया हो जाए तो मेरे पास दौड़ी चली आना, अपने वस्तु को ले जाना। ठीक है महाराज, लीजिए मैं कर देने के लिए तैयार हूँ, 100 रुपए में कल किया कट्ठी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी मेरे पास थी महाराज, ले जाइए, 100 रुपए में कल किया कट्ठी और यो ले जा चीर मेरा, इसे जानकारे को दे दूंगा इस मैं के साथ असीर मेरा, कैसे जलाऊं कुल्ती, कैसे जलाऊं कुल्ती, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं, उस घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, रानी के पास नगद 100 रुपया देने को नहीं था, 100 रुपए ने रानी अपने गल की कंठी और चीर हरिया को पकड़ा देती है, हरीशंद ने वो कंठी और चीर लिए और रानी से मुंह मोड़ा, सजनों आंखों से पानी बह गया, दिल टूट गया, पैरों तले जमीन निकल गई, कहने लगा रे वारे मालिक, आज तूने क्या खेल दिखाया है, क्या समय लाकर के मेरे सामने खड़ा किया है,
जिसको मैं अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया करता, आज अपने प्राणों प्रिय अर्धांगिनी को शमशान घाट में रोती हुई छोड़कर के जा रहा हूं। अपने नैनों के तारे की लाश को अपने आंखों से देख करके मुख मोड़ करके जा रहा हूं। सजनों दिल कांप गया, मुख मोड़ी चलिया दिल तोड़ी चलिया, मुख मोड़ी चलिया दिल तोड़ी चलिया है। शमशानों में दुखिया रोटी छोड़ी चलिया शमशाना में नार उघाड़ी तो हृदय हालन लगे। परमात्मा को कहने लगा, वारे मालिक नंगे सिर भी रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाड़िया रखे परमेश्वर उसे ढाड़ रही है तू। परमेश्वर उसे ढाल रही है तो पिया तेरा भी हक है बेटे में, इबते धाग लगाई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जे करने हरदम शीश झुकाई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जे करने हरदम शीश झुकाई है तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, थानी तेरी मैं, थानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, थानी तेरी रानी तेरी मैं।